वन्य प्राणियों के जीवन का अलग संसार होता है, वैसे ही यहाँ की भाषा और परिभाषा। हाल ही में चूर्णा पहुंचे भोपाल के कुछ पर्यटकों को बाघ के दीदार तो हुए, साथ ही चहलकदमी करते बाघ से अपने साथियों को सतर्क करती सांभर की विचित्र और विशेष आवाज भी सुनने को मिली। पर्यटकों के साथ चल रही गाइड ने उन्हें बताया कि जंगल में बाघ के निकलने पर सांभर इसी तरह अपने साथियों को सतर्क करता है और अपने साथियों के साथ वन विहार कर रहे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऋषभ व्यास ने इस दृश्य और सांभर की आवाज को कैमरे में कैद कर लिया और हमारे साथ साझा किया। फिलहाल इन दिनों पर्यटकों का रुझान मरई के साथ साथ चूर्णा की तरफ ज्यादा है, क्योंकि चूर्णा में चीतल और बारहसिंगा की बहुतायत के कारण बाघ के दीदार आसानी से हो जाते हैं। कोरोना के इस तनावपूर्ण माहौल में तनाव मुक्त होने की गरज से पर्यटक सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के जंगलों का रुख कर रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फील्ड एल कृष्णमूर्ति बताते हैं कि मडई और चूर्णा का प्रदूषण विहीन नैसर्गिक वातावरण वन्य प्राणियों और पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करता है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व कामती वन परिक्षेत्र के सहायक संचालक संदेश माहेश्वरी बताते हैं कि मडई क्षेत्र में बाघ की साइटिंग बड़ी आसानी से हो रही है। पचमढ़ी के सहायक संचालक संजीव शर्मा ने बताया कि धूपगढ़ के रास्ते सुबह और शाम वन्य प्राणी दर्शन के साथ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य भी पर्यटकों को बहुत भा रहे हैं। सोहागपुर से नीलम तिवारी की रिपोर्ट।